हेलो दोस्तों, 2019 चल रहा है और अभी भी आप अगर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं तो टाइम आ गया है SSD से उसे रिप्लेस करने का और अपने कंप्यूटर को फास्ट करने का, क्योंकि SSD हार्ड डिस्क से कहीं ज़्यादा फास्ट होता है। तो आज इस वीडियो में आपको SSD के बारे में सभी बातें बताने वाला हूं ताकि आप अपने लिए बेस्ट SSD चुन पाएं। दोस्तों, पहले तो बात यह है कि आप कोई भी SSD चुने, एकदम घटिया वाला भी, तो भी वो हार्ड डिस्क से ज़्यादा फास्ट होगा। पर फिर भी आपको एक बेस्ट SSD लेना चाहिए जो फास्ट हो और लंबे टाइम तक चले। तो सबसे पहले बात करते हैं SSD के शेप यानी फॉर्म फैक्टर की। दोस्तों, SSD कई टाइप्स के होते हैं, एक 2.5 इंच SSD, एक M.2 SSD जो 2.5 इंच SSD से कहीं ज़्यादा पतला और छोटा होता है। इसके अलावा एक mSATA SSD और एक U.2 SSD भी होता है, पर वो महंगा है और पॉपुलर भी नहीं है। तो मेनली दो टाइप हैं, 2.5 इंच SSD और M.2 SSD। अब आपको ये देखना है कि आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर के मदरबोर्ड में M.2 स्लॉट है या नहीं। आप कंप्यूटर को खोल के देख सकते हैं, मैनुअल देख सकते हैं या कस्टमर केयर से पूछ सकते हैं। M.2 स्लॉट होने से आपको ये फ़ायदा होगा कि 2.5 इंच वाला हार्ड डिस्क आपके लैपटॉप में ही रह जाएगा और आप M.2 SSD भी लगा सकेंगे ताकि उसमें विंडोज इंस्टॉल कर पाएँ। अगर M.2 स्लॉट नहीं है तो 2.5 इंच हार्ड डिस्क को ही निकाल के SSD लगाना पड़ेगा। तो यही डिफरेंस है। इसके अलावा SSD के पोर्ट में भी डिफरेंस होता है, एक SATA और एक PCIe एक्सप्रेस। तो 2.5 इंच SSD सिर्फ SATA के साथ आता है और M.2 SATA और PCIe एक्सप्रेस दोनों टाइप का आता है। तो यहाँ डिफरेंस ये है कि SATA का स्पीड PCIe के मुकाबले कम होता है। SATA का स्पीड मैक्सिमम 550 Mbps तक जाता है, तो PCIe का स्पीड 3000 Mbps तक। तो SATA फिर भी हार्ड डिस्क के 100 Mbps से कहीं ज़्यादा फास्ट है, तो फिर भी PCIe M.2 SSD पोर्ट SATA SSD से भी फास्ट है। तो आपको ये भी चेक करना है कि आपके लैपटॉप में M.2 स्लॉट SATA का है या फिर PCIe एक्सप्रेस वाला है, उसके अकॉर्डिंग आप SSD चुने। PCIe M.2 SSD NVMe सपोर्ट के साथ भी आता है, तो उसे आप ग्राफिक्स कार्ड के स्लॉट में लगा सकते हैं। और हाँ, SATA M.2 SSD सस्ता है PCIe M.2 SSD से। तो बात हो गई SSD के फॉर्म फैक्टर की और पोर्ट्स की। होप कि आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। सिंपली दो टाइप है, 2.5 इंच SSD SATA जो कि सस्ता होता है, और एक M.2 SSD जिसमें SATA सस्ता होता है लेकिन स्लो होता है, या PCIe एक्सप्रेस जो महंगा होता है पर फास्ट होता है। अब बात करते हैं SSD के DRAM और कंट्रोलर की। दोस्तों, SSD का कंट्रोलर जो होता है, ये SSD में इंजन या प्रोसेसर की तरह काम करता है। सब कुछ यही मैनेज करता है, कौन डाटा कहाँ जाएगा, क्या होगा, ट्रिमिंग, गार्बेज कलेक्शन, एरर हैंडलिंग, सिक्योरिटी सब हैंडल करता है। तो जितना पावरफुल और स्मार्ट कंट्रोलर होगा SSD में, उतने अच्छे से SSD को मैनेज करेगा और उसका लाइफ भी बढ़ाएगा। तो सस्ता SSD जो 2500 रुपये में आपको 250 GB मिल जाता है, उसका कंट्रोलर अच्छा नहीं होता। लेकिन जो SSD 4000 से ऊपर लगते हैं 250 GB के लिए, उसमें कंट्रोलर अच्छा होता है। इसी तरह से ये 2500 रुपये वाले SSD में RAM होते ही नहीं है। ये सस्ते वाले SSD को DRAM लेस भी कहते हैं, पर महंगे वाले SSD में RAM होते हैं। ये RAM का काम ये होता है कि ये मैप रखता है, यानी इन्फॉर्मेशन रखता है कि कौन सा डेटा कहाँ है, ताकि कंट्रोलर उसे जल्दी से खोज पाए और आपका SSD फास्ट काम करे। तो आपका सस्ता SSD जिसमें ख़राब कंट्रोलर है और DRAM नहीं है, वो महंगा DRAM और अच्छे कंट्रोलर वाले SSD से स्लो होगा थोड़ा सा, और लाइफ भी कम होगी। अब दोस्तों, बात करते हैं SLC, MLC, TLC, QLC सब की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। SSD में फ्लैश मेमोरी होते हैं, इसमें सेल्स होते हैं, इसी में डेटा सेव होता है। और SLC में एक सेल में एक बिट डेटा ही सेव होता है, यानी सिंगल लेवल सेल। MLC में दो बिट डेटा सेव होता है एक ही सेल में, यानी मल्टी लेवल सेल। TLC में 3 बिट डेटा सेव होता है एक ही सेल में, यानी ट्रिपल लेवल सेल। कुछ कंपनी इसे 3 बिट MLC भी करती है। और अब एक QLC भी आ गया है जिसमें एक सेल में 4 बिट, यानी क्वाड लेवल सेल या 4 बिट MLC। तो ये SLC, MLC, TLC, QLC में SLC सबसे फास्ट होता है और इसकी लाइफ भी सबसे लंबी होती है, पर सबसे महंगा भी होता है। इतना महंगा कि हम कस्टमर इसे यूज भी नहीं करते, कंपनीज करती है। MLC उससे सस्ता होता है, और क्योंकि एक सेल में 2 बिट सेव हो रही है तो साइज भी ज़्यादा होती है इसकी। पर ये SLC से स्लो होता है और लाइफ भी उससे कम होती है, क्योंकि एक ही सेल में 2 बिट डेटा सेव हो रही है तो उसके लाइफ पर भी असर पड़ता है, पर ये SLC से सस्ता होता है। उसी तरह TLC MLC से सस्ता होता है, लेकिन थोड़ा स्लो और लाइफ थोड़ी कम, पर साइज ज़्यादा होती है सेम स्पेस में।
अभी TLC बहुत पॉपुलर है, मैक्सिमम बजट SSD आपको TLC में ही मिलेंगे। स्पीड बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा SLC कैश भी होता है, तो TLC अभी सब लोग खरीदते हैं। जैसे सैमसंग 860 EVO TLC है, तो 860 Pro MLC है, जो 860 EVO से महंगा है और फास्ट भी है, और इसकी TVW 860 EVO से भी ज़्यादा है, यानी कि टेराबाइट रिटर्न कैपेसिटी, यानी कि कितना डेटा आप SSD में राइट कर सकते हैं जिससे पहले की सेल्स ख़राब हो जाए। तो ऑफ कोर्स SLC की TVW सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि कम राइट हो रहा है एक सेल में, और फिर MLC की उससे कम और TLC में उससे कम। तो TVW भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सस्ते SSD में आपको 250 GB में हार्डली 30 TVW मिलेगी, यानी 30 TB डाटा आप इसमें कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद SSD ख़राब हो जाएगा। पर महंगे SSD जैसे सैमसंग में एटलीस्ट 150 TVW मिलेंगे, यानी लॉन्ग लाइफ। इसी तरह QLC भी अब न्यू आ रहा है, इसकी साइज भी बड़ी होती है, क्योंकि एक सेल में 4 बिट सेव हो रहे हैं। जैसे सैमसंग में 860 क्यूवो में स्टार्ट ही 1 TB से होता है। स्पीड बढ़ाने के लिए इसमें भी SLC कैश है, तो सबसे कम दाम में अगर आप 1 TB SSD चाहते हैं तो 860 क्यूवो ले सकते हैं सैमसंग का। और सबसे लास्ट में बात करते हैं साइज़ की, तो साइज़ 120 GB से 4 TB तक मिलेगी आपको। 120 GB के SSD बिल्कुल ना लें, अच्छी कंपनी तो अब 120 GB बनाती भी नहीं। और 120 GB SSD तुरंत भर जाएगा, और भरा हुआ SSD बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि SSD में SLC कैश कम हो जाता है, ट्रिमिंग, गार्बेज कलेक्शन सब गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए SSD को फास्ट रखने के लिए एटलीस्ट 70% स्पेस खाली होना चाहिए। तो एटलीस्ट आप 250 GB का SSD लें, और उससे जितना ज़्यादा उतना अच्छा। और बड़ी साइज की SSD थोड़ी फास्ट भी होती है, और TVW कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, मीन्स लॉन्ग लाइफ, यानी जितनी बड़ी साइज की SSD उतनी अच्छी। तो दोस्तों, आपने देखा कि क्यों आपको सस्ते SSD नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका कंट्रोलर अच्छा नहीं होता, DRAM नहीं होता, TVW भी कम होती है, स्पीड कम, वारंटी भी कम, कुछ पैसे लगा के ढंग के SSD लेना ही बेहतर है। तो अगर आप अभी भी कन्फ्यूज़ हैं, तो मैं सैमसंग EVO 860 सजेस्ट करूँगा। ये परफेक्ट प्राइस में परफेक्ट SSD है। ये आप SATA या M.2 में ले सकते हैं। PCIe NVMe के लिए 970 EVO या QLC के लिए 860 QVO। इसके अलावा सैंडिस्क, किंगस्टन, WD सब का भी महंगा SSD अच्छा है। कुछ अच्छे SSD की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दें, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन क्लिक करना भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।